एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ डोमपेरिडोन एंड मेटोक्लोप्रामाइड। एज वी ऑलरेडी डिस्कस, दीज आर डोपामीन D2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। सो एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स आर रिपोर्टेड विद द यूज ऑफ दीज ड्रग्स, स्पेशली मेटोक्लोप्रामाइड। तो ये बच्चों में वेरी कॉशियसली आपने यूज करनी है मेटोक्लोप्रामाइड। उनमें बेटर ऑप्शन है कि आप अदर ड्रग्स को ट्राई करें एज कंपेयर टू मेटोक्लोप्रामाइड फॉर नाजिए एंड वॉमिटिंग इन चिल्ड्रन। एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? डिस्टोनियाज हो सकती हैं, एकाथीजिया हो सकता है, पार्किंसंस लाइक फीचर हो सकते हैं, और फिर इन ड्रग्स के साथ टार्डिव डिसकाइनेसिया जो है वो हो जाता है। अगर आपके ये वाले साइड इफेक्ट, टार्डिव एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स जो हैं वो रिपोर्ट हों, तो इमीडिएटली पेशेंट को आपने जो बेंजोडाइजिपिन्स हैं, स्पेशली डाइजीपाम और एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जो हैं, उनको आपने देना होता है टू रिड्यूस द साइड इफेक्ट्स। सिमिलरली अगर ये एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे तो उसके साथ एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स जो हैं वो रिपोर्ट होते हैं। एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स क्या हैं वो आप वेरी मच क्लियरली नो। फिर एड्रेनालिन रिसेप्टर्स अल्फा को भी ब्लॉक करेंगे, ब्लॉक नॉर एड्रेनालिन अल्फा रिसेप्टर्स, एंड दिस विल प्रोड्यूस ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। फिर ये ड्रग्स जो हैं एलिवेटेड प्रोलेक्टिन लेवल्स कर सकती हैं, बोथ मेटोक्लोप्रामाइड एंड डोमपेरिडोन, जिसके साथ कौन से जो है वो आपको साइड इफेक्ट्स रिपोर्ट हो सकते हैं, वो हैं गैलेक्टोरिया, गाइनोकोमेजिया, इम्पोटेंस एंड मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स जो हैं। गाइनोकोमेजिया जो है वो मेल्स में रिपोर्ट होता है और मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स जो हैं वो फीमेल में रिपोर्ट होंगे विद द यूज ऑफ दीज ड्रग्स। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो है इन ड्रग्स के मुतल्लिक है कि मेटोक्लोप्रामाइड और डोमपेरिडोन का जो यूनिवर्सिटी क्वेश्चन भी आ जाता है, आपसे वाइवा में भी पूछा जाता है कि इनके सिमिलैरिटीज़ क्या हैं और डिससिमिलैरिटीज़ क्या है। तो इनकी सिमिलैरिटीज़ जो हैं डोमपेरिडोन की और मेटोक्लोप्रामाइड मैक्सलॉन के नाम से और बहुत सी और ड्रग्स जो हैं ट्रेड नेम हैं उनके नाम से मार्केट हो रहा है। डोमपेरिडोन जो है मोटिलियम जो इसका ब्रांड है और भी बहुत से ट्रेड नेम्स हैं जिनसे ये मार्केट हो रहा है। सिमिलैरिटीज में आ जाती हैं कि एज यू नो वेरी मच अंडरस्टूड के D2 रिसेप्टर एंटेगनिस्ट हैं, दोनों कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन पे एक्ट करते हैं, जो क्लिनिकल यूज है दोनों का वॉमिटिंग को प्रिवेंट कर रही है। और नेक्स्ट वन इनका प्रोकाइनेटिक एक्शन है। प्रोकाइनेटिक मींस गैस्ट्रिक एम्प्टिंग या गैस्ट्रिक मूवमेंट को ये रेगुलराइज करते हैं और इनको वहाँ पे यूज़ करते हैं। हाफ लाइफ दोनों की 4 to 5 hours है। बोथ जो हैं इनका रूट ऑफ एक्सक्रीशन जो है दैट इज यूरिन। और मोस्ट ऑफ द क्लिनिकल यूजेस जो हैं इन दोनों के आर वेरी मच सिमिलर। सो दीज ड्रग्स आर वेरी वाइडली यूज्ड। अब डिफरेंस क्या हो सकते हैं इनके? मेटोक्लोप्रामाइड जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है, सो इसके जो साइड इफेक्ट होंगे वो CNS रिलेटेड जो है वो ज़्यादा होंगे, जिनमें एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स ऑलरेडी मैंने आपको मेंशन किया था कि वेरी मच इंक्रीज होते हैं विद दी मेटोक्लोप्रामाइड एंड टार्डिव डिसकाइनेसिया। ये वाले जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एडवर्स इफेक्ट्स हैं ये प्रोमिनेंट होते हैं विद मेटोक्लोप्रामाइड।
डोमपेरिडोन के साथ ये टॉलरेटेड होती है और इसके साथ जो है वो एडवर्स इफेक्ट्स जो हैं वो सेंट्रल जो है वो ऑब्जर्व नहीं होते बिकॉज इट डज नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर और ये आउटसाइड जो है वहीं पे अपने एक्शंस जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। मेटोक्लोप्रामाइड डी टू रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है और सीरम प्रोलैक्टिन लेवल को इंक्रीज करेगी और वो जो सारे एडवर्स इफेक्ट्स हैं हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया के ग्लेक्टोरिया एमनोरिया गाइनोकोमीजिया और लैक्टेशन जो है इसके साथ रिपोर्ट होते हैं। दीज एडवर्स इफेक्ट्स आर फीवर और लेस विद मोटेलियम और डोमपेरिडोन। सिमिलरली मेटोक्लोप्रामाइड जो है नॉन एड्रेनालिन अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉकेज करेगी, इसके साथ क्या होगा ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन जो है वो रिपोर्ट होती है विद यूज ऑफ मेटोक्लोप्रामाइड। दिस एडवर्स इफेक्ट इज लेस विद डोमपेरिडोन। अब हम नेक्स्ट ग्रुप जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर्स ब्लॉकर। न्यूरोकाइनिन 1 रिसेप्टर एंटेगनिस्ट जो हैं उनकी एंटीमेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि वो प्रोड्यूस करते हैं थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ब्लॉकेज के साथ इन द एरिया पोस्ट्रीमा। इस ग्रुप में जो मोर प्रोमिनेंट ड्रग यूज होती है दैट इज आरपीटेटिन। न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर सिलेक्टिव ड्रग है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है एंड न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर्स को ऑक्यूपाई करती है। इसकी अदर देन न्यूरोकाइनिन 1 रिसेप्टर जो है वो भी इंट्रेक्शन जो है वो मौजूद होती है। न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर 1 रिसेप्टर ब्लॉकेज जो है ये ड्रग्स यूज होती हैं इन कम्बिनेशन विद 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन 3 रिसेप्टर एंटेगनिस्ट एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ एक्यूट एंड डिलेड नाजिया एंड वॉमिटिंग आफ्टर कीमोथेरेपी ड्रग्स। इनके साइड इफेक्ट्स में फटीग आ जाती है, डिजीनेस होता है और डायरिया जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट ग्रुप हमारे पास आ जाता है ओपियाइड रिसेप्टर एंटेगनिस्ट। ये ब्लॉक करते हैं गैमा रिसेप्टर्स को इन द कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन में और म्यू रिसेप्टर्स को इन द विजोमोटर सेंटर। इस ग्रुप में जो ड्रग्स होती हैं दैट इज नेबिलोन एंड ड्रोनेबिलोल। ये वाली ड्रग्स जो हैं वो इस ग्रुप में फॉल करती हैं। ये भी हर पेशेंट में हमने यूज नहीं करना होता, इट इज यूज्ड स्पेशली आफ्टर कीमोथेरेपी की जो ड्रग्स हैं उनको यूज करने के बाद जो सीवियर नाजिया एंड वॉमिटिंग होता है उसको डील करने के लिए हम ये वाला ग्रुप जो है वो यूज करते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ओपियाइड जो हैं इसमें डिसफोरिया हो सकता है, डिसओरिएंटेशन हो सकती है पेशेंट्स में, हेलुसिनेशन एंड वर्टिगो। दीज साइड इफेक्ट्स आर वेरी मच सीवियर। इन साइड इफेक्ट की वजह से दे आर नॉट यूज्ड एज द फर्स्ट लाइन एंटी एमेटिक ड्रग्स। इनको हमने सेकंड लाइन पे रखा हुआ है आफ्टर दैट के कुछ पेशेंट्स सम ड्रग से एलर्जिक हैं या जिनमें कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं उन पेशेंट्स में हम इन ड्रग्स को जो है वो यूज करते हैं। सिडेटिव एंड हेप्नोटिक्स में हमने देखा था कि हमने बेंजोडाइजेपिन ग्रुप जो है उसमें जो ड्रग्स हम यूज कर रहे थे ये
एक्ट करती हैं ऑन दी सीएनएस, और बेसिकली इनका एक्शन जो है वो सिडेटिव होता है, एंजाइलेटिक होता है एंड एमनेजिक होता है। ये ड्रग जो है बेसिकली यूज होती हैं फॉर एंटीसिपेटरी नाजिया एंड वॉमिटिंग। ऑल इंडिकेशंस में हमने इनको यूज नहीं करना होता, ओनली यूज इन एंटीसिपेटरी नाजिया एंड वॉमिटिंग। हाई डोजेज ऑफ स्टेरॉइड जो नेक्स्ट ग्रुप है उसमें स्टेरॉइड्स आ जाते हैं। स्टेरॉइड्स एज यू नो लॉन्ग लिस्ट ऑफ क्लिनिकल यूजेस, लॉन्ग लिस्ट ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स, सो ये भी फर्स्ट लाइन ड्रग के तौर पे हमने यहाँ पे इसको यूज नहीं करना। इट इज यूज्ड एज अल्टरनेटिव ड्रग्स व्हेन अदर ऑप्शंस आर मिनिमाइज्ड, या कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती हैं या एडवर्स इफेक्ट्स उनके ज्यादा होते हैं उन पेशेंट्स में। स्टीरॉइड्स में हम डेक्सामेथासोन और प्रेडनिसोन, इनको या तो हम अलोन देते हैं या इन कम्बिनेशन ऑफ अदर ड्रग्स टू मिनिमाइज द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ दीज स्टीरॉइड्स। अब एडवर्स इफेक्ट्स यहाँ पे मैंने बहुत ही कम मेंशन किए हैं, इंसोमनिया, हाइपरग्लाइसीमिया, लॉन्ग लिस्ट है एडवर्स इफेक्ट्स की जो कि आप देख सकते हैं इसमें। फिर हमारे पास जो ग्रुप आ जाता है उसमें हम उन ड्रग्स को यूज करते हैं जो सिर्फ स्पैज्म को एट मस्कुलर लेवल और एट सेंट्रल लेवल स्पैज्म को रिमूव करते हैं, तो उसके साथ भी हमें वॉमिटिंग जो है या नॉजिएटिंग फीलिंग जो है वो इम्प्रूव्ड हो जाती है। इनमें मायोजेनिक स्पैज्म के लिए हम यूज करते हैं वोल्टाइल ऑयल, मेंथोल एंड क्लोरोफॉर्म। दीज ड्रग्स आर नॉट फ्रीक्वेंटली यूज्ड। न्यूरोजेनिक स्पैज्म में हमारे पास एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स जो हैं उनको हम यूज करते हैं इन दी न्यूरोजेनिक स्पैज्म में। फिर जो नेक्स्ट ग्रुप हमारे पास आ जाता है उसमें लोकली एक्टिंग ड्रग्स हैं। ये कौन सी हैं? इसमें एड्सॉर्बेंट हो सकते हैं, स्टिंगेंट हो सकते हैं, डिमल्सेंट्स हो सकते हैं एंड लोकली एक्टिंग एनेस्थेटिक ड्रग्स जो हैं, लोकल एनेस्थेटिक जिनको हम कहते हैं, वो भी वॉमिटिंग के लिए यूज हो सकती हैं। स्पेशली लोकल एनेस्थेटिक हम यूज करते हैं बिफोर डिफरेंट प्रोसीजर्स। फॉर एग्जांपल हमने गैस्ट्रोस्कोपी कुछ पेशेंट्स में करनी है तो उनमें हम लोकल एनेस्थेटिक यूज करते हैं कि उससे वॉमिटिंग प्रोड्यूस ना हो। सिमिलरली उन पेशेंट्स में जिनमें इरिटेशन हो रही होती है उनमें भी लोकल एनेस्थेटिक यूज कर सकते हैं, सो दैट इरिटेशन जो है मे कॉज वॉमिटिंग और वो लोकली अपना इफेक्ट जो है वो शो कर रही होती है। अब कम्बिनेशन रिजीम्स जो हैं वॉमिटिंग के लिए हम यूज करते हैं उनमें ओंडेंस्ट्रॉन, डेक्सामेथासोन एंड लोरेजिबाम। ये कम्बिनेशन है, वेरी मच अफेक्टिव कम्बिनेशन है इन दोज पेशेंट्स जो कि कीमोथेरेपी ले रहे हैं या साइटोटॉक्सिक ड्रग्स यूज करते हैं या जिनको रेडिएशन जो है कीमोथेरेपी की लगती है और उसके बाद उनमें सीवियर नाजिया एंड वॉमिटिंग होती है, उनमें हम कम्बिनेशन के तौर पे ये थ्री ड्रग्स कम्बिनेशन जो है इनको यूज करते हैं। सिमिलरली कुछ ड्रग्स हम इसलिए यूज करते हैं कि वो एक दूसरे के साइड इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करती हैं एज वेल एज जो है वो हमें एंटी एमेटिक एक्शंस जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। इसमें मेटोक्लोप्रामाइड है जिसके एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स हैं। अगर हम इसको यूज करेंगे डाइफिनहाइड्रिनेट, हिस्टामिन
वन रिसेप्टर ब्लॉकर, अगर इन दोनों को कंबाइंड करके हम यूज करेंगे तो एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स जो हैं मेटोक्लोप्रामाइड के, दैट विल बी मिनिमाइज। सिमिलरली मेटोक्लोप्रामाइड जो है ये जीआई मोटिलिटी को इंक्रीज कर सकती है, जिसके साथ डायरिया जो है वो रिपोर्ट होता है। तो इस डायरिया को कंट्रोल करने के लिए हम स्टीरॉयड्स के साथ कंबाइंड कर सकते हैं, जो कि प्रिवेंट करता है मेटोक्लोप्रामाइड इंड्यूस्ड डायरिया। अब ये ब्रीफ सा ओवरव्यू है वो सारी चीज़ें जो हमने ऊपर पढ़ी हैं, डिस्कस की हैं, वो इनका सारा एक ओवरव्यू है। इसमें आप देखें, सबसे फर्स्ट लाइन पे हमारे पास स्टिमुलस आ सकता है। स्टिमुलस कौन से हो सकते हैं? पेन हो सकता है, रिपल्सिव साइट्स एंड स्मेल्स, इमोशनल फैक्टर्स। फिर हमारे पास मोशन सिकनेस है, एंडोजेनस टॉक्सन्स और डिफरेंट ड्रग्स हो सकती हैं। स्टिमुलस आ सकता है फ्रॉम द फेरेंक्स एंड स्टोमिक। ऑल दीज स्टिमुलाई जो हैं ये वॉमिटिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट इनपुट इंटीग्रेटेड एंड आउटपुट सिग्नल मैकेनिज्म के लिहाज से। ये सारे मैकेनिज्म जो हैं ये आपके सामने इन द फॉर्म ऑफ टेबल जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं, और इनका आउटकम जो है कौन से लेवल पे हम कौन से ड्रग यूज़ करते हैं ये सारे इसमें मेंशन है।